वेलकम बैक। आज के अंदर आप ब्रेक से वापस और ब्रेक से वापस आके फिर भी हम ईदी का प्रोग्राम करेंगे, फिर भी सेवियों की बात नहीं करनी। अब हमने ना ही हमने बात करनी है जी कोरमे की और बिरयानियों की, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया और इतनी सारी इफ्तारियां और सहरियां करके ना एकदम से इतना खाना नहीं चाहिए। काफी सारे लोग होते हैं फूड पॉइजनिंग करवा लेते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि हमारी रूटीन नहीं रहती सारा दिन भूखा रहने की। और फिर जब वो 11-12 बजते हैं ना दोपहर के, उस वक्त अम्मी ने जो सेवियां बनाई वो भी लाया, बिरयानी भी लाया, बिरयानी के ऊपर बहुत सारा दही पा के वो भी खा लो, है जी काफी रश हो जाता है। हाँ उस दिन अंदर रश पड़ जाता है, वो फिर मैदा कहता है की मजाक है जी, वो जो चल रहा है अन्नी दे मजाक है, तो वो मैदा भी बेचारा उस दिन ही बदवा दे रहा है। क्यों मित्रों मित्रों क्यों लाया नाल? आपने रेशमा जी को ट्रिब्यूट एक पेश किया हुआ, जी, 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 जी। मैं चाहूंगी कि वो सुना दें आप, ताकि हमारे जो नाजरीन है वो जरा उनको भी याद कर लें। और वो मैं आपको लाइव सुनाऊंगा फिर। लाइव ही सुनाए जनाब। हाँ ये लाइव गांधे ने तो मैं चाहनी इन्हां दे नाल रल मिल जाओ। अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल को चन परी देसिया, तू बोल भावे ना ख्याल छड़ वसकिया दे कौन को वचन परिदसिया, तू बोल पावे ना वो अखियां नू रह। बड़ा मुश्किल होता है इस बड़ी हाई पिच पकड़ लेते हैं, तो थोड़ा सा और मेरा ख्याल 2-4 साल और तेनु लगने ते तू पक्का ही हो जाएगा। अभी भी अच्छा है लेकिन यू नो के जो ये समंदर है ना, हाँ, सीखे अपना डो बना जाए तेरी मेहरबानी समंदर है कश्ती लेके जाया कर तू। तो और सुना वकील साहब, सुना आप वकील हैं, तो वकालत में ये इतनी सेंसिटिव चीज किधर से घुसेड़ ली आपने? मतलब दैट्स वेरी मच ड्राई है जी सियासत जड़ी हैगी है ताड़ी वकालत, बड़े ड्राई सब्जेक्ट हैगा जी। वो आपकी बात ठीक है, चूंकि इस चीज का शौक था, हाँ, तो शौक को जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ तब से साथ लेकर चला हूँ। तो घर वाले कहते नहीं है कि बेच मराज को ना लाया तो देखे घर की तरफ से किसको नहीं होती, लेकिन मुझे भी है रेस्ट्रिक्शन, लेकिन अच्छा। अपने शौक को छोड़ा नहीं है। अच्छा
तो मतलब फुल नाताबेदार नाफरमा बरदार माँ प्यो दा है जी अल्हम्दुलिल्लाह फरमा बरदार तो है फरमा बरदार तो है अल्हम्दुलिल्लाह आये मेरे खुदाया इन्हें आठ बार ही रोजा रखे फरमा बरदार तो है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अपने शौक को साथ रखा हुआ लेकिन अपने शौक को नहीं छोड़ूंगा है बेशक आप मेरी जिद होती है एक बंदा होता है ना वो मक्के जाता है खरो के दुआव मांग रहा होता है कहता है यार मेरे परवरदिगार तेरा घर बहुत सोना है पर लोर लोर है लोर लोर है तो बाकी ठीक है लेकिन कभी कभी माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के भले के लिए करते हैं लेकिन अच्छी बात है कि आप साथ में कुछ रोजगार भी कर रहे पहले लोग पता क्यों होते सी लड़के या लड़कियां जो होती थी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋ ਫੋਕਸ ਰੱਖਤੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਕੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਨਕੋ ਤੋ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਨਤਾ ਮਰਾਦਾ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਗਮਰਾਸੀ ਬਣ ਜੇ ਤੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਕੋ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਜੀ पता नहीं क्या आजकल पता क्या सीन है जितनी जो न्यू स्टूडेंट्स है कॉलेजेस के न्यू जनरेशन जितनी भी है ये नहीं इस फील्ड को इस चीज को समझने के लिए ना सेंस में लेने के लिए दो सेंसेस होती है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और यंग टैलेंट ने गाया हुआ यू नो जी मिराज को देखे तो बेसिकली ये डेरिवेटिव है विरासत का विरासत से आगे मिरास आया बिल्कुल मिरास मतलब है इसको समझना सारे नु पता है मतलब सब जानते हैं कि मतलब मिरासी का मतलब है कि मिरास मिलना आगे विरासत ट्रांसफर होना लेकिन कोई भी एनु ना वो सारे छोड़ ही लेता है वो कहते शुगली मारो असल में अगर देखा जाए ना तो पहले जो लोग थे ना जी मॉडल साहब आप भी बोले असल की एक ना लोग इस चीज को बड़ा नेगेटिव देखते थे अच्छा जो ओल्ड लोग थे अभी भी है हाँ। लेकिन जो न्यू जनरेशन है ना वो इस चीज को मतलब ओल्ड लोग उन सारे मार दिए अब वही मैं नहीं, नहीं, मैं वही जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे ओल्ड लोग मार दिए मतलब जो गांव में है छोटे सिटीज में है वो इस चीज को बड़ा नेगेटिव के ये क्या कर रहा है वही बात ड्रामों में कि अब मेरे मामू है ना तो मेरे पेरेंट्स हैं तो मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे इस फील्ड में मतलब कि उन्होंने कभी नहीं रोका कि तुम गाने गा रहे हो तुम टीवी पे आ रहे हो या तुम कॉन्सर्ट्स गा रहे हो ठीक है जाहिर सी बात है व्हाट्सएप स्टेटस आजकल इतना फेमस हो गया हर बंदा देख लेता है मामा भी देखती है डैडी भी देखते हैं तो मामू है वो भी फेसबुक पे देख ही लेते हैं फेसबुक चलानी आती है उन्हें फेसबुक क्या करना था स्लाइड करी जाओ नीचे हाँ, तो जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं ना तो मैं जब मामू के पास जाता हूँ तो मुझे आगे से कहते हैं यार कोई इज्जत वाला काम तुझे क्या मैं कपड़े ला के गाना सारे लोगों के सामने गा रहा है तो मैं मामू को आगे से कहता हूँ कि देखे मेरी बात सुने मुझे शौक है ठीक है मैं ये नहीं इस शौक को ये नहीं समझता कि यार ये बुरा काम है ये अच्छा काम है मुझे इतना पता है कि यार मैं अगर गाता हूँ तो कुछ लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो उनकी खुशी इंटरटेन उनको इंटरटेन करता हूँ सारी बात इंटरटेन से याद आया कि मित्रों बैठा हुआ है कब से एक तो तड़फीला गाना तो सू सुना दिता है तड़फ तड़फ के भी है ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਇਸੇ ਦਿਲ ਸੇ ਆਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਚੁੱਕੇ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਮੈਲੋ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਰੈਕ ਆਫ ਮਿਤਰੋਸ ਨੀ ਸੋਣੀਏ
कुछ कमाप के मिलेगा तेनू की सानू इना रुवाक ओ चावंगा चावंगा तेनू मैं अपना सब कुछ कमाप के मिलेगा तेनू की सानू इना मित्रों की हो गया गल्ला की कर रहे हैं इशारे किधर दे रहे हैं मतलब वो कहते ना कभी सिग्नल जेड़े ना सिग्नल ते इशारा जेड़ा उस हिसाब ना ही देता होता है कि मैं राइट जाना लेफ्ट जाना थोड़ी देर के लिए तो आप भी खुश हो गए मित्रों वैसे ब्यूटीफुल सॉन्ग ब्यूटीफुल और वाकई काफी चेंज है दोनों अच्छे हैं आपने ये भी भंगड़ा स्टाइल में गाया जो एक्सप्रेशन है ना आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं लेकिन वो वाकई सीट पे बैठने वाले नहीं ज्यास्ती होगी हमसे ज्यास्ती होगी तो खैर जनाब ज्यास्ती हम ज्यादा नहीं करेंगे उठ गए भी ज्यादा होगी साढ़े को कुछ सुनया नहीं तो आप लोग भी सुनाए क्या सुनाना चाह रहे हैं पंजाबी हो जाए ओके वेलकम पंजाबी नू आजकल सारे वेलकम कर रहे हैं क्योंकि पंजाब से जो तलक है बिल्कुल पंजाबी